बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरेबिया से। दोस्तों और प्यारे भाइयों, सऊदी अरेबिया के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करना, बिल्डिंग लाइन का काम करना, अभी भी देखें शटरिंग वाले दबा दब थौड़ियाँ लगा रहे हैं, दड़ा दबा 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 दबा। यार 5 बज चुके हैं, इनको कोई बताए कि 5:30 बजे अजान होने वाली है, लेकिन आज जुमेरात है ना, इसलिए लगे हुए हैं। स्टील फिक्सर के टूल आपको बताता चलूँ जो हमारे पास होते हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करना, यानी बिल्डिंग लाइन का काम करना, और साथ साथ यहाँ पर प्यारे भाइयों एक यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करना कितना आसान है, मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, सच में होती है। एक तो यूट्यूब के लिए मैं इतना काम करता हूँ, और मैं आपको बात बता चलूँ जो घर के किचन के पैसे हैं ना, वो मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। सबसे पहले आपको बताते चलूँ, मेरे घर वाली को भी यकीन नहीं था कि असद यूट्यूब से पैसे कमाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, लोगों की बात नहीं कर रहा, मेरे घरवाली की बात है कि घरवाली मेरी सोच नहीं थी कि असद यूट्यूब से पैसे कमाएगा, कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाकर घर बेचूंगा, और जो यूट्यूब के पैसे हैं उनके पैसों से घर के किचन के जो पैसे हैं वो चल सकते हैं, उसने सोचे नहीं था। लेकिन जब वो मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ, लोग देखते हैं, लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइब होते हैं, तो फिर मेरे पैसे आते हैं, तो फिर घर वाली महीने बाद जाकर लेकर आती है ना, तो फिर कहती है सही है, आप सही करते हो, अच्छा चलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, आप जो आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो पैसे बच जाते हैं, उन पैसों से हम दूसरे काम कर सकते हैं, तो यूट्यूब के पैसों से हम अपने घर के किचन के पैसे चला सकते हैं। मेरे पैसे कमाने वाले सऊदी अरेबिया के अंदर दार ये हैं, एक मेरा कटर है और एक मेरे पास मीटर है, सिर्फ और सिर्फ स्टील फिक्सर का काम करने के लिए मुझे 2,000 चाहिए होती हैं, बस इसके अलावा कोई। तो यार अभी भी देखो वो कालम की बराई कर रहे हैं, यानी कि शटरिंग कर रहे हैं। सच में बिल्डिंग लाइन का काम करना काफ़ी मुश्किल है, कभी कभी मुझे 4 बजे काम पर उठ कर जाना पड़ता है, 4 बजे उठ कर काम पर जाना पड़ता है, और कभी 4:30 बजे, कभी 5 बजे भी जाना पड़ता है। जितना हम लेट जाएंगे उतना लेट शाम को वापस आएंगे। अभी देखें 5 बज चुके हैं, अभी मैं अपने दमाम घर से रूम से मतलब कितना दूर हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि आज दमाम शहर में रश भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जुमेरात है, दूर दूर से जो कंपनियों के अंदर काम करने वाले वर्कर हैं और भी जगह से लोग ज़्यादातर दमाम शहर में आएँगे, और सीखो आएँगे देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, रश बहुत ज़्यादा हो जाता है जुमेरात को खासकर, तो इसलिए हो सकता है मुमकिन 1 घंटे से या 1.5 घंटा लग जाए मुझे यहाँ से वापस दमाम जाने में, तो काफ़ी दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम कर रहे हैं और बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, सच में शाम को हिम्मत नहीं होती यहाँ पर बैठने की, अभी भी कोशिश है कि जल्दी जल्दी घर वापस चले जाएं और जाकर नहाएं धोएं जा। यार सुबह 12 बजे तक ये कपड़े जो है ना, अभी तो आपको सूखी हवा नज़र आ रही है ना, ये हवा चल रही है काफ़ी, तो 12 बजे तक बहुत ज़्यादा पानी निचुड़ रहा था इस कपड़ों से, रतूबा पड़ रहा था, लेकिन 12 बजे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हवा चली तो फिर सुकून हो गया, मज़ा आ गया, यानी कि काम करने का। और 10 घंटे मुसलसल ड्यूटी करने के बाद प्यारे भाई अब थक चुके हैं, देखिए अभी समझे कि नींद नहीं पूरी हो रही, मैं आपको बता रहा हूँ सच में। आप मैं अभी वीडियो एडिट कट भी नहीं करना चाहता था, मैं कट करता तो आप पता नहीं चलता कि अभी नींद आ रही है, देखो यानी कि यहाँ पर काम 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 बस। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं रात कब सोता हूँ, सुबह कितने बजे उठता हूँ, और यूट्यूब के ऊपर कितना मुझे मुसलसल काम करना पड़ता है। लोग तो सोचते हैं कि यार बड़ा यूट्यूब का काम आसान है, और व्हाट्सएप नंबर भी हमें दे दो, हम आपसे बात करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमारा भाई वहाँ पर मौजूद है, मेरे बेटे वहाँ पर मौजूद हैं, या मेरा हस्बैंड सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है, ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, और मेरा दोस्त को मौजूद है सऊदी अरेबिया के अंदर, उसको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो कहते हैं मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपसे रब्ता करना है। मैं अपना तबूक शहर में रहता हूँ, मैं रियाज शहर में रहता हूँ, मैं मक्का में रहता हूँ, मदीना में जद्दा में, यानी बहुत सारे मुझे प्यारे भाई कमेंट आप करते हैं, लेकिन मैं उन सब के लिए माजर चाहता हूँ, मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता। मैं प्यारे भाई फी सबीलिल्लाह यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेटिव देना चाहता हूँ, वीडियो मोटिवेशनल वीडियो दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ ना, 100 विला नहीं यहाँ पर बन रहा, 200 विला नहीं बन रहा, मैं ज़रा आपको घुमा कर दिखा देता हूँ कैमरा, ज़रा यहाँ पर देखिए, 100 नहीं 200 नहीं 300 नहीं 400 नहीं 500 नहीं, यहाँ पर 1000 के लगभग विले बन रहे हैं, 1000 कहना बड़ा आसान है। ये देखे दूर दूर तक आपको नज़र यहाँ भी जाती है ना, मैं गाड़ी के ऊपर मोबाइल रख कर ये वीडियो बना रहा था, इस
गाड़ी के पीछे टोपी आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल रख के वीडियो बना रहा था। देखिए जरा कि दूर दूर तक आपको पंख भी लगी है ना पर नजर आ रहे हैं, और बिल्डिंगें यहाँ पर देखिए कितनी कितनी दूर तक आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखिए जरा गौर से, यहाँ पर मैं एक कॉर्नर पर खड़ा होता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ देखे कितनी लंबी लाइन है। वो देखो बिल्डिंगें बिल्डिंगें हैं कि नहीं बिल्डिंग, तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद से बिल्डिंगें बन रही हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई बहुत काम है। मेरा मकसद है अपने प्यारे भाइयों को दिखाना और कहना कि यहाँ पर आके मेहनत करो। यहाँ पर देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यार, देखो ज़रा आप गौर करो यार कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जितना मैं काम करता हूँ। मैं कल लेबरी का काम किया, बाल्टियाँ कुछ उठा के दी तो मेरी कमर दर्द कर रही थी, मेरा दिल नहीं करता लेबर का काम करने में सच में। तो इसीलिए मैं कारीगर हूँ तो दिहाड़ी लगा लेता हूँ। तो 10-11 साल हो चुके हैं लेबरी का काम करना बड़ी मुश्किल है। तो मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ पर मैं ऐसे पुराने बंदे यहाँ पर मौजूद हैं 15-15 साल से, जो सिर्फ ये नहीं रखते और यहाँ पर काम करते हैं। सिर्फ क्या है जी, वो कहते हैं जी हमने काम नहीं सीखा अभी तक, हम यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, लेबरी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ये टेंशन है मेरे पर, तो उनके लिए काफ़ी ये टेंशन है कि वो किस तरीके मजदूरी करते होंगे, किस तरीके लेबर करते होंगे। मैं तो घंटा दो घंटा कर लेती हूँ, मेरे से इतनी हिम्मत नहीं होती यहाँ पर सब्जी पे के अंदर काम करना। और साथ साथ प्यारे भाई यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनानी मेरे लिए काफ़ी। मुझे पूछ रहा था ये भाई कि ये छत ख़त्म हो गई या नहीं ख़त्म हो गई, लेकिन हम इस बिल्डिंग पर काम नहीं कर रहे थे, इस बिल्डिंग के ऊपर बंगाली काम कर रहे थे। शायद वो बिजली वालों ने काम करना था ना, इसलिए पूछ रहे हैं कि वो बिजली वाले सुबह आएंगे काम करने के लिए कि या नहीं। तो मैं अपने भाइयों को ये मेरा कहने का मकसद है प्यारे भाई, मेहनत है यहाँ पर, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आप मुझे व्हाट्सएप नंबर कहते हैं तो मैं यार वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता, मैं माजरा चाहता हूँ इसके लिए। आप बुरा मनाओ या कुछ जो मर्जी कहो, मैं इसके लिए माजरा चाहता हूँ यार। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती सच में, इतनी मेरे में ताकत नहीं होती कि मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर जवाब दिया करूँ, क्योंकि मैं अपने घर में भी फैमिली के साथ भी बातें करनी होती हैं कुछ थोड़ी बहुत। कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने दो तीन दिन बाद भी नहीं कर पाता, जो कि यूट्यूब का काम करना होता है और साथ साथ मुझे काम करना होता है यहाँ पर बिल्डिंग लाइन का, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है, टेंशन बन जाती है। तो दिहाड़ी भी लगानी यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि प्रदेश में आए हुए हैं तो काम करना इतना आसान नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे आप जो भी आपका सवाल है वीडियो के नीचे मुझे बता सकते हो। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी यहाँ पर आने वाली जो वीडियो है ना वो आप तक बरवक्त पहुँच सकेंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो भाई पीछे मेरे जा रहे हैं ये तबूकों का काम करने वाले हैं, पक्की बात है, पाकिस्तानी ये तबूकों का काम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देर इजाज़त, एक अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। मेरी बात का अगर किसी को बुरी लगती है तो मैं इसके लिए माजरा चाहता हूँ, वो मैं तहे दिल से माजरा चाहता हूँ, क्योंकि मैं परदेसी हूँ यार, परदेश में काम करने वाला हूँ, अपने मैंने भी अपने मैनेज करने होते हैं काम, तो मेरी मजबूरी समझो सिर्फ मेरी, कोई मैं हकारा नहीं हूँ, मतलब कि आप समझे गुरूर कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक मजदूर दिहाड़ीदार बंदा हूँ। तो मेरा ये सिर्फ आपके साथ प्यार मोहब्बत के साथ बात करने का मकसद है। आप मेरे व्यूअर्स हो, आप देखने वाले वीडियो हो, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।